दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स को और कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाओं को मिस न कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कट ऑफ जो है मेरे एनालिसिस पर है, आंसर कीज के बेसिस पर है कि आपकी जो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितनी रहने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको जो है एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको जो है अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो आपको क्या करना है। आगे के पूरे प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक आपको घंटी दिखेगी, उसे जरूर दबाएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाओं को मिस न कर पाएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं वो अब जो है मार्च के वीक में आपके कम्प्लीट हुए हैं। 4 से 26 मार्च के बीच जो है आपके ये एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इसी बीच दोस्तों जो एग्ज़ाम हुए हैं, सबसे पहला जो बदलाव हुआ था अब की बार वो था कि 65 मिनट से आपका जो टाइम होता था अब 60 मिनट्स कर दिया है। पहले जो आपका टाइम होता था वो 75 मिनट्स होता था। ये भी एक मुख्य कारण है कट ऑफ का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्रीवियस कट ऑफ थी वो 135 के अराउंड रहती थी, लेकिन अब की बार जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर रहेगी 132 दोस्तों आपकी जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी जो है नहीं जाएगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी आपकी 127 के लगभग जो है आपकी ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। ओबीसी के साथ ही आपकी एससी एसटी की कट ऑफ यहाँ पर 120 से नीचे रहेगी, यानी आपकी जो एससी एसटी की कट ऑफ है वो यहाँ पर 100 से लेकर 110 के बीच यहाँ पर रहने वाली है एससी एसटी की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आंसर कीज आ चुकी हैं। अगर आपने अपनी आंसर कीज देख ली है तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी जो है कितने मार्क्स ठीक हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। उसके बेसिस पर आपको जो है अपने मार्क्स का पता लग गया होगा। अगर आपके जो है इस कट ऑफ, अगर आपके मान लीजिए दोस्तों 135 मार्क्स हैं, 135 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग को मिलाकर, सब कुछ जो है मिलाकर राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस को, अगर आपके 135 मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा या फिर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है 135 से नीचे हर कैटेगरी की। तो अगर आपने अभी तक अपनी कट ऑफ नहीं देखी है तो 26 मार्च उसकी लास्ट डेट थी कट ऑफ निकलने की। तो अब आप ही बताइए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद आपका जो है रिज़ल्ट आएगा इस मंथ में, मई के एंड तक दोस्तों आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी आपका जो है मई के एंड तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, लिस्ट लग जाएगी मई के एंड तक। और दोस्तों थोड़ी बहुत लेट भी हो सकती है या फिर आपकी जून के फर्स्ट वीक में भी लग सकती है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो टायर दो होगा, जिसमें आपको जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद आपका टायर तीन होगा, जिसमें आपकी जो है टाइपिंग ली जाएगी, और उसके बाद आपकी जो है मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो बस ये आपको था, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आप सिंपल जो है डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कीजिए, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनका नहीं हुआ है वो मेहनत कीजिए, अगली बार आपका जो है 100% हो जाएगा। अब आपको पता लग गया होगा कैसे आपका जो है एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन। तो पहली बार देने वाले जो स्टूडेंट्स को सिर्फ एक अनुमान ही बहुत होता है, अगली बार वो ट्राई कीजिए और आपका जो है अगली बार 100% श्योरिटी के साथ जो है हो जाएगा। अगर आप प्रॉपरली मेहनत करते हैं, एक राइट वे में मेहनत करते हैं, तो आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों जो कट ऑफ बताई है मैंने, इससे थोड़ी बहुत नीचे या ऊपर हो सकती है, लेकिन दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इतनी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये हमारे बिल्कुल राइट हैं। 132 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी जनरल कैटेगरी की, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो देख लीजिए आप। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, नीचे आपको लाइक का बटन मिल रहा होगा उसे लाइक कर दीजिए। कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखेगी उसको ज़रूर दबाइएगा, उसी से आपको जो है हमारी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बेल को ज़रूर दबाएगा। और दोस्तों कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आपका हो पूछ लीजिएगा, बेझिझक आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।